नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। कथावाचक पंडित अश्विनी यदुवंशी दहीवद धामनोद के मुखारविंद से मां नर्मदा की महिमा का वाचन किया गया। कथा के सप्तम दिवस में मां नर्मदा जी की महिमा में सीतावन क्षेत्र का वर्णन किया गया। सीतावन क्षेत्र का वर्णन कहते हुए कहा कि माँ सीता जब बाल्यावस्था में अपने पिता जनक के बगीचे में फूल तोड़ने गई थी, तब उस समय एक तोता अपनी गर्भवती मैना को राम जी की कथा सुना रहा था। वही कथा माँ सीता को भी बहुत अच्छी लगी। तोते ने जैसे ही माँ सीता को देखा, वह कथा सुनाते ही रुक गया। तो माता सीता ने गर्भवती मैना को पकड़कर तोते से कहा कि तुम जब तक पूरी कथा नहीं सुनोगे, तुम्हारी मैना को नहीं छोड़ूंगी। उसने कहा कि मुझे यह कथा बस यहीं तक याद थी, मैंने सुना दी। इसके बाद भी माता सीता ने मैना को नहीं छोड़ा। तत्पश्चात मैना ने अपने पति के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। तो तोते ने उसी समय माता सीता को श्राप दिया कि जिस प्रकार गर्भावस्था में आपने मेरी पत्नी को मुझसे दूर किया है, वैसे भी तुम भी तुम्हारे पति से दूर रहोगी। नशा मुक्ति के बारे में अपने उपदेश के साथ कहा कि नशा धन का नाश तो करता है, अपितु शरीर का भी विनाश होता है। नशे को सभी लोग त्याग दें और शांति समृद्धि से अपना जीवन जिए। गुरुवार से शनिवार तक नानीबाई के मायरे का वाचन भी व्यासपीठ से पंडित जी के द्वारा अपने मुखारविंद से किया जाएगा। पूरी कर ले, समय हो रहा आरती का, क्योंकि अपन नाव में बैठे, बैलगाड़ी में बैठे, अब रेलगाड़ी में बैठने की बारी आ गई है। जब जाके अमरकंद तक चले, क्योंकि आज विराम दिवस है और आज कथा को अमरकंटक तक लगाना भी जरूरी, क्योंकि कल से